हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया हो गए अपनी पढ़ाई का, यहाँ पर बहुत मस्त झकास तरीके से बेटा कर रहे हो गए। तो जैसा आप लोग पता है कि हम लोग का यहाँ पर चैप्टर चल रहा था रेशनलाइजेशन, बेटा इसको हिंदी में परिमेयकरण बोलते हैं। तो इस चैप्टर का हम लोग इंट्रो कुछ बेसिक क्वेश्चन की बात कर चुके थे। बेटा बेसिक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पढ़ने में मुझसे गलती हो गई थी, तो इसको हमको आज यहाँ पर सही कराना है, मैं उसको सही करा दूंगा। और वेस्ट टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने हम इन क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में आपको हेल्प करेंगे। क्या हो जाएगा बेटा, हम लाइन ड्रॉ करके अपने हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग क्वेश्चन बात करेंगे। कह रहा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर इन ईच, हमको कह रहा है कि इन चारों क्वेश्चन में डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करिए। इट मींस इन कहने मतलब क्या है, हमको रूट यहाँ से गायब कर दो, खाली बस डिनोमिनेटर का रूट हमको यहाँ से गायब करना है। कैसे गायब करेंगे? तो देखो पहले क्वेश्चन अगर बात करते हैं, यहाँ पर है तो कह रहा है टू अपान का थ्री रूट थ्री कह रहा है, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाएगा। बेटा जब इसके डिनोमिनेटर को जब यहाँ से हमको अगर रूट यहाँ रूट थ्री में गायब करना है, तो हम लोग क्या यहाँ लिखेंगे, लिखेंगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड डिवाइडेड बाई, किसे डिवाइड करना है, अंडर रूट थ्री से। भाई देखो हमको अगर यहाँ से रूट थ्री यहाँ से गायब करना है, तो हम सिंपल से काम क्या करें कि रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर लें, उससे डिवाइड कर लें। भाई मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे आपका नीचे वाला साफ हो जाएगा। कैसा वो यहाँ देखो क्या जाएगा, टू अपान का थ्री रूट थ्री आपका हो जाएगा। जब डिवाइड करोगे तो रूट थ्री से डिवाइड कर देंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। अब बेटा देखो यहाँ क्या आ जाएगा, आपको पता है कि अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए आपका क्या होता है, ए आपका हो जाएगा। किन्हीं भी नंबर पर अगर सेम नंबर बेटा अगर अंडर रूट के अंदर लिखे होते हैं, उनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका मन आता है। कैसे आता है, तो देखो रूट की पावर, रूट का मतलब होता है पावर, वन बाई टू आपका होता है। तो ए की पावर वन बाई टू अपान का की पावर वन बाई टू आपका हो जाएगा, इंटू आपका हो जाएगा। यह हो जाएगा भाई दोनों का बेस सेम है, पावर हाफ हाफ है, हाफ हाफ मिलकर एक हो जाएगा, ए की पावर वन आपका हो जाएगा। ए की पावर वन को हम यहाँ पर ए लिखते हैं, तो आ जाएगा अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए आपके यहाँ पर आ जाएगी। भाई देखो तो यहाँ क्या आ जाएगा, थ्री इंटू बेटा रूट थ्री का जब मल्टीप्लाई करोगे तो भी इतना आ जाएगा, ये आपका यहाँ पर थ्री आ जाएगा, और टू रूट थ्री आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये बेटा, क्या इसको और सॉल्व करोगे अपान में कितना आ जाएगा, ये आपका नाइन यहाँ पे आ जाएगा, और ये टू रूट थ्री का आ जाएगा। ये हमारे पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग वेस्ट ना करते हैं, रफ करते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात यहाँ पर करते हैं। भाई पहले हम सिंपल से क्वेश्चन से बात करेंगे, फिर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊपर को उठाएंगे। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, कह रहा है ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट हो गया, अब सेकंड की बात करें तो कह रहा है थ्री प्लस का रूट टू अपान में कह रहा है फोर अपान का रूट टू। भाई देखो सिंपल सी बात है, हमको यहाँ से रूट टू को हटाना है, तो क्या करेंगे रूट टू से मल्टीप्लाई रूट टू से डिवाइड कर देंगे। जब बेटा करोगे तो आ जाएगा थ्री प्लस का रूट टू से बेटा मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ क्या आ जाएगा फोर रूट टू इंटू रूट टू, इससे हमको डिवाइड यहाँ कर दिया गया है। बेटा देखो ऊपर जब करोगे मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा थ्री रूट टू आपका आ जाएगा प्लस का, बेटा रूट टू का जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा रूट टू से, तो आपको क्या आ जाएगा टू पूरा पूरा आ जाएगा, आपको इतना आना चाहिए। अब क्या आ जाएगा टू आपका आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा फोर इंटू बेटा रूट टू का जब मल्टीप्लाई करोगे रूट टू से, तो कितना आपका आ जाएगा यहाँ पर आपका टू आ जाएगा। अब देखो फोर टू जाए कितना हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर एट आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा टू प्लस का थ्री रूट टू आपका आ जाएगा, ये बेटा आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। अब ध्यान देना, थर्ड का लेवल थोड़ा सा अच्छा लेवल है क्वेश्चन से। भाई अभी तक जो क्वेश्चन दो किए गए हैं उनका लेवल थोड़ा बेसिक था, अब थोड़ा सा हम लोग हाई की ओर यहाँ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट कह रहा है कि टू रूट सिक्स माइनस का रूट फाइव अपान में कह रहा है थ्री रूट थ्री माइनस का टू रूट सिक्स लिखा गया है। भाई माइनस का टू रूट सिक्स कह रहे इसको, इसके डिनोमिनेटर को हमको यहाँ से रेशनलाइज करना है। तो बेटा हमको सीन यहाँ क्या, हमको यहाँ पर करना है, हमको डिनोमिनेटर से अंडर रूट को यहाँ से गायब करना। कैसे गायब करेंगे, भाई देखो कहीं भी अगर आपका ए प्लस का बी लिखा होता है, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा ए माइनस का बी हो जाएगा। अगर आपका ए माइनस का बी लिखा होता है बेटा, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा ए प्लस का बी आ जाएगा। तो बेटा इस केस में हमको क्या करना है कि डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड हमको यहाँ पर करना पड़ेगा। हम लोग क्या है करना है कि डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से करना है। तो भाई देखो इसका ये इसका डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा थ्री रूट थ्री
तो ये माइनस का 2√2 आ जाएगा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, 3√3 प्लस का 2√6 आपका आ जाएगा। बेटा इससे हमको मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ पर कर देना है, जब डिवाइड करोगे तो सिंपल सा इसको क्यों लिखते हैं, खाली हम लोग सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं, क्या जाएगा बेटा यहाँ क्या जाएगा, इधर समझो, इधर ये आपका जाएगा 2√6 माइनस का 5 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3√3 आपका आ जाएगा, और माइनस का 2√6 आ जाएगा। अब बेटा तो क्या जाएगा, इनका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, 3√3 प्लस का 2√6 आ जाएगा। अब बेटा अगर डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ऊपर, तो मल्टीप्लाई जब करोगे तो क्या जाएगा, 3√3 प्लस का 2√6 आ जाएगा। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई मत करो, उसको छोड़ दे ऐसे ही, 2√6 माइनस का 5 आपका आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, 3√3 प्लस का 2√6 आ जाएगा। भाई हमसे बोला गया, देखो जितना बोला खाली उतना हम करना होता क्या है कि ये डिनोमिनेटर हम करना बेटा हमको यहाँ पर करना है, तो ऊपर से कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। बेटा यहाँ देखो a माइनस बी लिखा है, इस फॉर्म में लिखा है, a प्लस बी लिखा है, बेटा ये आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला यहाँ पर बनना है, a प्लस बी a माइनस बी आपका लिखा गया तो क्या आ जाएगा, ये आपका जाएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस का 2√6 का आपका स्क्वायर आ जाएगा। बेटा ऊपर मल्टीप्लाई करोगे आपका कैलकुलेशन बढ़ेगा, जब बोले सिंप्लीफाई करो तभी हम लोग यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे, वरना ऐसे ही ऊपर छोड़ देंगे। ये बेटा 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर आपका 3 आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 आपका आ जाएगा, और √6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आपका यहाँ पर 6 आ जाएगा। और ऊपर बेटा अभी ऐसे ही आप लोग यहाँ पर लिखा रहने दो, आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को बड़ा कर सकते हो, लेकिन मेरा काम क्या है, जितना मुझे आपको समझाना है जितना जो करने लायक है वही यहाँ पर किया करो। बेटा ये कितना यहाँ पर आपका जाएगा, 27 आ जाएगा, ये 27 आपका आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 24 आपका आ जाएगा, और ऊपर कितना लिखा रहेगा आपका, 2√6 माइनस का 5 आपका आ जाएगा, और क्या जाएगा, 3√3 प्लस का आपका 2√, यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा। भाई 27 माइनस का 24 करोगे तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपका 3 मिल जाएगा, और ऊपर कितना लिखा रहेगा, 2√6 माइनस का 5 आपका आ जाएगा, और क्या जाएगा, एक ब्रैकेट में क्या जाएगा, 3√3 प्लस का 2√6, ये बेटा हमारा आंसर आपका आ जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन और सॉल्व करने की इच्छा होगी तो भाई आप क्या कर सकते हो, आप ये काम कर सकते हो, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर बड़ा सा आंसर आपको मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से इतना यहाँ पर रखते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। भाई हमसे जितना बोला गया उतने में हम यहाँ पर कर देंगे, अभी बोलता सिंप्लीफाई करो तो पूरा सिंप्लीफाई करते हैं अभी हम, जो कि आने वाले क्वेश्चन में हम लोग करेंगे भी सिंप्लीफाई। तो बेटा इसको यहाँ से रफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं। भाई हमको हमसे कह रहा है डिनोमिनेटर का रेशनखारी करना है, तो हमको ऊपर वाला इतना सॉल्व करके नहीं लिखना है, भाई करोगे तो क्वेश्चन आपका बड़ा ही यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की बात करते हैं, तो 4 कह रहा है, ये आपका थर्ड भी हो गया, अब 4 की बात करते हैं, 4 कह रहा है 4√3 प्लस का 5 √2 आपका आ जाएगा, अपान में क्या आ जाएगा, √48 प्लस का √ आपका 18 यहाँ पे आ जाएगा। फिर से वही का काम हमको काम यहाँ करना है, क्या करना है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाइड बाय हम कर लेंगे। बड़ा इनके कॉन्जुगेट से करोगे तो ऊपर आपका लिखा रहेगा 4√3 प्लस का 5√2 आपका आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा, √48। भाई देखो अगर a प्लस बी लिखा तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, a माइनस का भी आपका हो जाएगा, √48 माइनस का √ आपका 18 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, √48 प्लस का √18 आपका आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, √48 माइनस का √ आपका 18 यहाँ पे आ जाएगा। भाई कॉन्जुगेट से मतलब डिवाइड हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं, बड़ा नीचे आपका फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, ए स्क्वायर, तो बेटा √48 कैसे करोगे तो ये कितना जाएगा, ये आपका नीचे आपका 48 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर, 18 का 18 कैसे करोगे तो आपका कितना 18 यहाँ पे आपका ऐसे लिखा जाएगा। ऊपर क्या लिखा रहेगा, √4√3 प्लस का 5√2 आपका हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और क्या आ जाएगा, √48 माइनस का √18 आपका आ जाएगा। बेटा माइनस कर लो कितना बचेगा यहाँ पे आपका, भाई ये आपका 30 यहाँ बचने वाला, 30 आपका आ जाएगा, ऊपर कितना जाएगा, 4√3 प्लस का 5√2 आ जाएगा, 48 माइनस का 18 आपका आ जाएगा। अब देखो सीन ये है, इसको चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो हम क्यों ही इसको बड़ा करें, इतना हमारा भी हमको कह रहा था कि डिनोमिनेटर को रेस करना था, वो हम यहाँ पर कर चुके हैं।
हमका हमको इतना करना था बेटा, ये आपको हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर फोर आपको समझ में आ गया होगा। अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर पार्ट आपके हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको अभी आपको आता है तो आपको आना चाहिए। इसको हम यहाँ से रफ कर दे। क्वेश्चन नंबर हम क्या बात करते हैं, क्वेश्चन वाले क्वेश्चन को भी यहाँ से रफ करते हैं। इसको हम लोग यहाँ से रफ कर देंगे। क्वेश्चन नंबर हम बात करें, क्वेश्चन सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड कह रहा है गिवन दैट, क्या कह रहा है अगर हमसे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, हम यहाँ पर सेकंड डाल देंगे तो कह रहा है गिवन दैट, क्या गिवन दैट कह रहा है, कह रहा है इफ, कह रहा है अंडर रूट फाइव की वैल्यू को दे रखी 2.236 हमसे दे रखे हैं, तो कह रहा है फाइंड 2-3 प्लेस, कह रहा है हमको तीन प्लेस तक ऑफ डेसिमल, डेसिमल के तीन प्लेस तक हमको इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ 2 अपान का अंडर रूट 5। अब बेटा ध्यान देना, अगर ये टॉपिक ना होता तो वो लोग क्या करते, यहाँ रूट 5 की वैल्यू पुट करते, डिवाइड करते, कितना सोचो कठिन काम होता। हमको यहाँ क्या करना है कि 2√5 यहाँ लिखा गया है, कुछ मत करो, इसके रूट 5 से मल्टीप्लाई कर दो, रूट 5 से डिवाइड कर दो, खाली बस इतना काम खाली करना आपको यहाँ पर है। बेटा मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो सीन कुछ इस प्रकार से आपका सीन यहाँ क्रिएट हो जाएगा। नीचे आपका बेटा 5 बचेगा, ऊपर की तरफ जाएगा 2√5 आपका यहाँ पर बचेगा। अब देखो हमसे इसकी वैल्यू पूछा गया है तो हम लोग क्या करेंगे, देखो आपको पता है कि 2√5 बेटा ये सेम ही लिखा हुआ है, किसी भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो उस फ्रैक्शन पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, सेम नंबर आपका होना यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ आपका बेटा यहाँ क्या आ जाएगा, देखो इधर 2 आपका ऐसे लिखा रहेगा इंटू √5 की वैल्यू हो जाएगी 2.236 आपकी हो जाएगी, अप्रोक्सीमेट दे रखा है, अपान में आपका 5 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो इसका सीन क्या है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 6 जा 12 कैरी 1 आ जाएगा, 2 3 जा 6x7 आपका आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 2 जा 4 आपका आ जाएगा। अब बेटा इसको 5 से यहाँ पर डिवाइड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 से डिवाइड करोगे, कर लो डिवाइड, आपके प्यार में डिवाइड कर देंगे, कर लो डिवाइड बेटा, 0 पॉइंट लगा लो तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ देखो पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट यहाँ पर हम लोग लगा लेंगे। अब तुम्हारा सीन क्या जाएगा, यहाँ देखो तो क्या जाएगा, 5 8 जा आपका 40 आ जाएगा, 4 बचेगा 7 उतार लेंगे ये वाला, तो कितना जाएगा 5 9 जा 45 आपका आ जाएगा, 2 बचेगा कट कर लो, ये अंडर रूट 2 नहीं होगा भाई, 2 होगा यहाँ पर ना, ये 2 टाल लो, 5 4 जा 20 आ जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ा लो, 5 4 जा कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, कट हो जाएगा पूरा पूरा। तो हमें क्या मिल जाएगा, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, 0.8944 ये क्या मिल जाएगा, ये हमको बेटा इसकी 2√5 की वैल्यू हमको यहाँ मिल जाएगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब बेटा ऐसे ही क्वेश्चन आपको अगर मिलेंगे तो आपको आना चाहिए। मैंने एक क्वेश्चन करा दिया है, अब आप अपनी बुक में क्वेश्चन ढूंढना, लगाना, डाउट होगा तो पूछ लेना। अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं और इसको यहाँ से रफ करते हैं। भाई मैं टाइप ही आपको क्वेश्चन तक करा पाऊंगा, अब एक एक क्वेश्चन कराऊंगा तो फिर सिलेबस आपका हो चुका, फिर कल्याण आप लोग का हो जाएगा। फिर ठीक है, लोग साल भर पूरा कराते हैं तो मैं कैसे आपको, किसी मेरा काम समझाना है, क्वेश्चन आप उसे लगाओगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं, कह रहा इफ बोथ ए एंड बी आर रेशनल नंबर, ठीक है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, हमको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। बड़ा पहला क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा 5 प्लस का 2√3 अपॉन में कह रहा है 7 प्लस का 4√3, इसकी वैल्यू हमारी चल रहा है ना, हाँ इसकी वैल्यू हमको दे रखा है, ए प्लस का बी हमको बेटा दे रखा है वैल्यू है। तो इसको करने पर ध्यान देना भाई, देखो आपका ए प्लस बी √3 हमको दे रखा है, ए प्लस बी हमको यहाँ पर दे रखा है बेटा, इसको सॉल्व करो, हमको इस फॉर्म में लेकर के आना होता है, फिर हम कंपेयर कर लेंगे, हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। बेटा देखो इसे हम लोग क्या ले लेंगे, हम लोग दोनों साइड हम लोग को लेकर के यहाँ चली रहेगी, तो हमको करना क्या है कि 5 प्लस का 2√3 ये तो आपका ऐसा लिखा रहेगा, अपान में कितना हो जाएगा 5 प्लस का 4√3 आपका हो जाएगा। बेटा डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड हम लोग यहाँ पर कर देंगे, क्या करेंगे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 7 माइनस का 4√3 आपका हो जाएगा। बेटा अगर डिवाइड किए हैं तो मल्टीप्लाई से करना पड़ेगा, 7 माइनस का 4√3 आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। ये आपका ए प्लस का बी और रूट आपका 3, ये आपका ऐसे यहाँ पर लिखा रहने वाला है। अब देखो इधर क्या हो जाएगा सीन, यहाँ पर देखो इधर इसका सीन क्या हो जाएगा भाई, नीचे आपका फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका
ए प्लस बी ए माइनस बी कहा जाएगा, ए स्क्वायर मतलब सेवन का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कहा जाएगा फोर रूट थ्री का स्क्वायर आ जाएगा। बेटा ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, ये फाइव सेवन जा कितना जाएगा 35 आ जाएगा, फाइव फोर जा 20 तो माइनस का 20 रूट थ्री आपका आ जाएगा, टू सेवन जा 14 तो प्लस का 14 ये आपका रूट थ्री आ जाएगा। अब सीन यहाँ देखो बेटा, जब टू रूट थ्री का मल्टीप्लाई फोर रूट थ्री से करोगे माइनस से कर जाएगा, माइनस यहाँ लिखा रहेगा फोर टू जा एट तो आपका ये एट रूट, ये फोर टू जा एट आपका आ जाएगा। बेटा रूट थ्री का जब मल्टीप्लाई करोगे थ्री से कितना जाएगा, ये आपका यहाँ पर थ्री आ जाएगा। अब देखो इधर, ये आप इधर क्या लिखा रहेगा, ये आपका ए प्लस का बी, ये रूट थ्री आपका ऐसे यहाँ लिखा रहेगा। अब सीन यहाँ देखो कुछ ऐसे क्रिएट हो जाएगा भाई, 35 ये आपका माइनस का 24 साथ में ले लेंगे, तो 35 माइनस का 24 अब 8 3 आपका 24 आ जाएगा। ध्यान देना बेटा, माइनस का 20 रूट थ्री ये कितना आ जाएगा 40, तो माइनस का 6 रूट थ्री आपका आ जाएगा। भाई 20 में से 40 जाएगा, 14 जाएगा कितना बचेगा आपका, 20 में से 14 जाएगा आपका 6 बचेगा, वो भी आपका माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ देखो इधर, ये कितना जाएगा 7 का स्क्वायर 49 आपका आ जाएगा, और कितना जाएगा 4 का स्क्वायर 16 गुणे 3 आपका आ जाएगा। बेटा नीचे तो कितना बचेगा, नीचे आपका देखो 49 माइनस का 48 आपका आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, ये आपका नीचे 1 बचेगा। और बेटा यहाँ देखा जाएगा 35 में से 24 जब माइनस करोगे तो कितना आपको बचेगा, यहाँ पे आपका 1 बचेगा, 11 बच जाएगा, 11 माइनस का 6 रूट 3 आ जाएगा, तो 11 माइनस का 6 रूट 3 ये बेटा आपका पूरा ऐसे बचेगा। तो ध्यान देना ये इक्वल किसके रहेगा आपका, ए प्लस का बी रूट 3 के हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा a प्लस का b रूट थ्री के आपके हो जाएगा। बेटा कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू आपको देखो, a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, मिलेगी 11, b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी तो देखो अगर कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा, तो माइनस का 6 रूट थ्री इक्वल आपका आ जाएगा b रूट थ्री से आ जाएगा। भाई ये से इसको कट कर लो, b की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 6 मिल जाएगी। बेटा ऐसे इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं, और ये क्वेश्चन बेटा को समझ में आया होगा। अब हम सेकंड पार्ट की यहाँ बात करते हैं और इस क्वेश्चन को यहाँ से रफ करते हैं। भाई देखो फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, बेटा ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आते रहेंगे, तो इसको हम लोग यहाँ से रफ करते हैं, इसको हम लोग यहाँ से रफ करते हैं दोस्तों, तो हम लोग यहाँ से रफ करते हैं। 7 प्लस का रूट 5 अपान में कह रहा है 7 माइनस का रूट 5 आ जाएगा, फिर माइनस लगा हुआ है, फिर कह रहा है 7 माइनस का रूट 5 अपान में क्या आ जाएगा 7 प्लस का रूट 5, ये आप कैसे लिखा गया है, इक्वल आपका हो जाएगा a प्लस का 7 अपान का 11 अंडर रूट 5, यहाँ पे आपका भी आ जाएगा। अब बेटा देखो इसको सॉल्व करना हमको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, बट ऐसे हम क्या करेंगे इनका एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, बेटा एलसीएम कैसे लेते हैं आपको पता होना चाहिए, कैसे लेते हैं एलसीएम देखो इधर, ए अपान का बी प्लस सी अपान का डी लिखा होता है, तो बेटा डी को ए से करते हैं भाई आपका ए डी आ जाएगा, बी का सी से करो आपका बी सी आ जाएगा, अपान में क्या आ जाएगा ये आपका बी डी यहाँ पर ये आ जाएगा। भाई ऐसे ही लेते हैं एलसीएम, बेटा यहाँ एलसीएम ले लेंगे ये कितना आ जाएगा, इक्वल लग जाएगा आपका जाएगा 7 प्लस अंडर रूट 5 का ये आपका होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस आपका आ जाएगा ये 7 माइनस का अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा 7 प्लस अंडर रूट 5 आपका हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और 7 माइनस अंडर रूट 5 आपका हो जाएगा एक ब्रैकेट में, ठीक इतना आपका हो जाएगा। ये बेटा आपका ऐसे a प्लस का 7 अपान का 11 अंडर रूट 5 बी आपका लिखा रहेगा। ये ऐसा करते हैं भाई, देखो इसको सॉल्व करके इनके को हम दिखा देंगे बाद में, पहले इसको बाद में लिखें, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते पूरा है। जब सॉल्व करो बेटा देखो इसको हम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर लो, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। यहाँ क्या हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49 आपका आ जाएगा, प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा आपका 5 आ जाएगा, फिर प्लस का आपका 2 a की वैल्यू हो जाएगी 7, b की वैल्यू आपकी हो जाएगी अंडर रूट 5 आपकी आ जाएगी, माइनस यहाँ लग जाएगा ठीक बेटा। वैसे ही इनको ब्रैकेट ये वाला यहाँ पर यूज कर लेंगे तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49 आ जाएगा, रूट फाइव का स्क्वायर आपका 5 आ जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा 2, ए की वैल्यू हो जाएगी 7 और बी की वैल्यू आपकी हो जाएगी अंडर रूट 5, यहाँ पर आपकी ये आ जाएगी, ब्रैकेट यहाँ पर हम लोग क्लोज कर लेंगे। अपान में क्या आ जाएगा बेटा ए प्लस बी ए माइनस बी तो हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब रूट सेवन, ये 7 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर ये कितना आ जाएगा रूट 5 का स्क्वायर आपका आ जाएगा। भाई देखो
अपान में क्या बनना है, एंटी बन रही, कौन से एंटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला है, बन रहा है भाई ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा, तो इसको ए स्क्वायर सेवन का स्क्वायर आपका हो जाएगा, बी स्क्वायर रूट फाइव का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। अब बेटा यहाँ देखो जैसा ब्रैकेट ओपन करोगे तो 49 फाइव कितना जाएगा 54 आपका आ जाएगा, और ये कितना जाएगा प्लस का 14 रूट फाइव आपका आ जाएगा, भाई 72 या 49 आपका हो जाएगा, और माइनस कितना जाएगा भाई 49 फाइव कितना जाएगा माइनस का 54 आपका आ जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा ये प्लस आपका हो जाएगा प्लस का 14 रूट फाइव। डरना मत प्लस कैसे हो गया, भाई देखो ब्रैकेट बाहर आपका माइनस लगा हुआ है, जैसे आप ब्रैकेट ओपन करोगे अंदर के साइन साइन आपके चेंज हो जाएंगे, बेटा ये हो जाएगा ये वाला माइनस हो गया है, ये वाला आपका प्लस हो जाएगा। अपान में क्या जाएगा भाई 7 का स्क्वायर 49 रूट फाइव का स्क्वायर 5 इतना आपका जाएगा, अपान में 44 बचेगा, और ये तो बेटा माइनस प्लस आपस में कैंसिल हो जाएगा, और 14 और 14 कितना जाएगा 28 रूट फाइव आपका आ जाएगा। अब बेटा कट कर लो तो ये कुछ इस प्रकार से कैसे कट होगा, यहाँ देखो इधर 4 बन जा 4 आ जाएगा, 4 7 जा 28 आपका आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 7 रूट फाइव अपान का ये 11 आ जाएगा। अब बेटा जब कंपेयर करोगे जब कंपेयर इससे कंपेयर करोगे तो ए प्लस का हमको कंपेयर करना है 7 प्लस का 11 अंडर रूट बी से कंपेयर करना है, तो देखो अब इसको अगर 7 प्लस का ये लिखा है बेटा इसके इक्वल हम 0 प्लस का यहाँ पर लिख सकते हैं, भाई किसी भी नंबर में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो उस नंबर पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बेटा ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आपके यहाँ पर 0 आ जाएगी, जब बी का बेटा कंपेयर करोगे तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू आपके यहाँ पर 7, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, बी की देखो वैल्यू यहाँ पर, देखो यहाँ पर बी की कैसे जाएगी 7 रूट फाइव अपान का 11 इक्वल किसके हो जाएगा 7 रूट फाइव अपान का 11 ये आपका बी आ जाएगा। बेटा देखो ये पूरी पूरी वैल्यू इनसे पूरी पूरी यहाँ मैच कर रही है, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू हमारे यहाँ पर 1 आ जाएगी, ए की वैल्यू 0 बी की वैल्यू 1 यहाँ पर आ जाएगी, ऐसे इस क्वेश्चन को करेंगे। बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, सेकंड वाला आपका यहाँ से क्वेश्चन स्वाहा हो चुका है, भाई देखो इस टाइप क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं तो आपको आने चाहिए, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हो रहा होगा इस टॉपिक के प्रति, इसको हम लोग यहाँ से रफ करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन कह रहा है, थर्ड कथन पर कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 माइनस का अंडर रूट फाइव अपान में कह रहा है 3 प्लस का 2 रूट फाइव इक्वल हमसे कह रहा है ए रूट फाइव प्लस का बी। अब कह रहा है ए बी की वैल्यू यहाँ फाइंड करनी है, भाई देखो क्या करेंगे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, क्या जाएगा देखो बेटा पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 3 माइनस का रूट फाइव कितना जाएगा 3 प्लस का 2 रूट फाइव। अब बेटा इनके कॉन्जुगेट से जब करोगे मल्टीप्लाई तो 3 माइनस का 2 रूट फाइव, बेटा अगर डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 3 माइनस का 2 रूट फाइव विधि का विधान है, अगर जो आया है वो तो जाएगा, अगर डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। बेटा क्या जाएगा यहाँ देखो ए प्लस बी ए माइनस का बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला आपका हो जाएगा, तो अपान में क्या आप यहाँ पर लिख सकते हो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 रूट फाइव का यहाँ पर ही स्क्वायर आ जाएगा। बेटा ऊपर वाला हम लोग सिर्फ खाली मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 का 3 से करोगे कितना जाएगा ये आपका 9 आ जाएगा, 3 का जब इससे करोगे तो माइनस का 6 रूट फाइव आ जाएगा, 5 का बेटा माइनस 5 का मल्टीप्लाई जब 3 से करोगे माइनस ये माइनस का रूट फाइव का मल्टीप्लाई जब हम लोग 3 से करेंगे तो ये कितना आपका आ जाएगा माइनस का 3 रूट फाइव आपका यहाँ पे आ जाएगा। बेटा ध्यान दो जब माइनस का रूट फाइव का मल्टीप्लाई माइनस का 2 रूट फाइव से करोगे तो आपका प्लस आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, और बेटा रूट फाइव का जब रूट फाइव करोगे कितना जाएगा आपका 5 यहाँ पर ये आ जाएगा। अब देखो इधर अपान में कितना जाएगा 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू कितना जाएगा 5 आपका आ जाएगा, रूट फाइव का स्क्वायर 5 आ जाएगा, इतना आपका आ जाएगा। ऊपर बेटा देखो ये कितना यहाँ पे आ जाएगा, देखो 9 बेटा 5 to 10 तो माइनस ये प्लस का आपका 10 यहाँ पे आ जाएगा। बेटा यहाँ देखो माइनस का 6 रूट फाइव माइनस का 3 रूट फाइव 6 लिखते 9 आ जाएगा, तो माइनस का 9 रूट फाइव यहाँ पर आपका ये आ जाएगा। ऊपर कितना जाएगा ये आपका जाएगा 10 और 9 कितना जाएगा 19 आपका जाएगा, तो 19 आ जाएगा यहाँ पे आपका आ जाएगा, 19 माइनस का 9 रूट फाइव आपका आ जाएगा। अब बेटा यहाँ देखो अब ये तो आपका 20 हो जाएगा,
20 में से 9 जाएगा तो माइनस का 11 बचेगा, क्योंकि माइनस का 20 आपका हो जाएगा। अब देखो इनमें जब अलग अलग करोगे तो ये आपको कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, इसे ये आपका आ जाएगा और माइनस का 9 रूट 5 अपान में जब माइनस 11 लेके आओगे तो ये आपको कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यान देना, अगर कंपेयर करोगे इसका, हमको इसका किससे कंपेयर करना है तो बेटा क्या हो जाएगा, 9 रूट 5 अपान का 11 ठीक है, माइनस का 19 अपान 11 कंपेयर हम करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, ए रूट 5 प्लस का बी। तो बेटा अगर कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू पूरी क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी, देखो रूट फाइव से रूट फाइव कैंसिल कर दोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 अपान का 11 आ जाएगी, और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस का 19 अपान का 11। ये बेटा इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बेटा फोर्थ पार्ट की सेम सवाल ऐसे ही आपको सारे सवाल करने यहाँ रहेंगे। बेटा फोर्थ पार्ट के बाद हम यहाँ पर करते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका और बिल्ड होगा इन सब चीजों को देख करके, आपको आनी चाहिए। देखो बेटा ये चीजें अच्छे क्लासेस में अच्छे स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, तो आप लोग को भी पढ़नी चाहिए भाई। एनसीईआरटी पढ़ करके, सिर्फ क्लास 9th की एनसीईआरटी पढ़ करके पतली सी होती, पढ़ करके आप कुछ भला उसमें आपका नहीं होने वाला है, तो आपको थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ेगा नॉलेज के लिए, वरना जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम बैठोगे ना तो खाली पर हाय हाय करोगे, यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, तो कोर्स में था ही नहीं, कोर्स में नहीं लगे अन्य सिलेबस के कोर्स में आपका दे रखा है ना, ऐसे अच्छी अच्छी बुक पढ़ते उसमें आपका होता है। बेटा क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते हैं, तो फोर का कह रहा है, कह रहा 5 ये 4 प्लस का 3 रूट 5 अपान कह रहा 4 माइनस का 3 रूट 5 कह रहा है, अगर इक्वल हमको यहाँ ए दे रखा है, ए प्लस का बी रूट 5 आपको दे रखा है, अब कह रहा ए बी की वैल्यू हमको यहाँ पर फाइंड करनी है। भाई देखो सिंपल सी बात है, जैसे करते हैं वही करेंगे डिनोमीटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड हम लोग यहाँ पर कर लेंगे, डिनोमीटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। तो बेटा क्या जाएगा, जब कॉन्जुगेट से करोगे तो क्या जाएगा, अपान में देखो अगर 4 माइनस का 3 रूट 5 यहाँ पर लिखा गया है तो इनका कॉन्जुगेट क्या जाएगा, 4 प्लस का 3 रूट 5 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ऊपर क्या रहेगा, 4 प्लस का 3 रूट 5 ये आप कैसे लिखा रहेगा, यहाँ क्या जाएगा, 4 प्लस का 3 रूट 5 रहेगा। भाई देखो अगर डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी हमको करना पड़ेगा। अब देखो बेटा ऊपर फॉर्मूला बन जाएगा, ऊपर फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा 4 प्लस 3 रूट 5 का आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। देने में दिक्कत हम लोग को नहीं चाहिए। भाई देखो कहीं भी अगर आपका x इंटू x दिखा होता है उसको हम x स्क्वायर यहाँ पर लिख देते हैं, वैसे क्या हो जाएगा, भाई देखो दोनों वैल्यू सेम है तो सेम वैल्यू पुट करके उसका स्क्वायर यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इस फॉर्मूले से। अब देखो इधर क्या जाएगा बेटा, ए प्लस बी ए माइनस बी तो क्या आपका जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस बी कितना आ जाएगा बेटा आपका 3 रूट 5 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। बेटा ऊपर वाले को हम क्या कर लेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन कर लेंगे तो 4 कैसा कितना जाएगा, 16 आपका हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 आपका हो जाएगा, 5 का रूट 5 का स्क्वायर 5 रहेगा और 9 5 जाएगा कितना आपका हो जाएगा, 45 आपका होता है, 9 बचे आपका 45 होता है। अब क्या जाएगा, 2 ए बी आपका जाएगा तो 2 ए की वैल्यू 4 बी की वैल्यू 3 रूट 5 आपका आ जाएगा, इतने में दिक्कत नहीं चाहिए। बेटा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 आपका हो जाएगा, 9 और रूट 5 का स्क्वायर आपका 5 यहाँ पर आ जाएगा, सिंपल सी बात है और सबको सबसे मौज वाली बात है। बेटा अभी क्या आ जाएगा, यहाँ देखो 45 और ये कितना आपका जाएगा, 16 कितना जाएगा, तो 45 में एड करो 10 आपका हो जाएगा, 55 में जोड़ो 5 का 60 कितना जाएगा, ये बेटा आपका 61 आ जाएगा, और प्लस यहाँ देखो ये 4 3 जाए 12 24 आपका आ जाएगा, 24 रूट 5 आ जाएगा, कैसे आया, यहाँ देखो 4 2 जा 8 8 3 जा 24 रूट 5 आपका यहाँ पे आ जाएगा, और नीचे की ये नीचे कितना जाएगा, 16 माइनस कितना आपका जाएगा बेटा, यहाँ पे आपका जाएगा 16 माइनस का आप लोग यहाँ पे क्या ले सकते हो, 16 माइनस का आपका यहाँ पे क्या जाएगा, ये आपका जाएगा क्या जाएगा यहाँ पर, जब कुछ खुराफात नहीं कर पाएंगे इसमें, कितना जाएगा ये ना, ये 16 माइनस का 45 आपका आ जाएगा, 45 9 5 जा 45 यहाँ पे हो जाएगा। अब इनको माइनस करोगे तो अपान में क्या रहेगा, अपान में आपका माइनस में यहाँ पर आ जाएगा। तो भाई देखो इधर 5 ये आपका बचे कितना बचेगा, 45 में से 10 माइनस करोगे 35 आ जाएगा, 35 में से 5 माइनस करोगे 30 आ जाएगा, 29 कितना जाएगा, 29 आपका यहाँ पर आ जाएगा, यह रहेगा 61 प्लस का 24 रूट 5 आपका आ जाएगा। बेटा कंपेयर करोगे, जब इनको अलग अलग करोगे पहले
तो 61 अपान का 29 वो भी माइनस में रहेगा, ठीक। तो ये माइनस क्या आ जाएगा, 24 रूट 5 अपान का 29 आ जाएगा। भाई 29 आपका प्राइम नंबर है, इसी से कटेगा तो है नहीं, तो क्या आ जाएगा, मे बी ट्राई कर सकते हैं, कटेगा नहीं कटेगा, कितना आ जाएगा बेटा, ए की वैल्यू ए प्लस बी रूट 5 से जब कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 61 अपान का 29 आ जाएगा, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी, कंपेयर करोगे तो कट जाएगा, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 24 अपान का 29, ये बेटा आपकी ए और बी की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, क्लास नाइन्थ में अगर टीचर आपको फंसाने का प्रयास करेगा, जैसे क्लास में कभी पीटने का मन होता है तो आपको ऐसे ही सवाल दे करके आपकी चमड़ी उधेड़ देगा, तो ऐसे काम आप लोग पहले से ही तैयार हो जाओ पढ़ करके ना। भाई हम लोग के टाइम पर तो टीचर बहुत मारते थे, आप लोग के टाइम पर तो कुटैया नहीं होती होगी, हम लोग के समय तो टीचर कूट काट के इक्वल कर देते थे। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे, बीच बीच में बोलना पड़ता है थोड़ा मोटिवेशन के लिए, मार से बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता है। घर में जब मम्मी की चप्पल उठती थी तभी कॉपी हम लोग की खुलती थी, और तो चप्पल से बड़ा मोटिवेशन लाइफ में कुछ नहीं सकता है, पापा की बेल्ट मम्मी की चप्पल होते। आजकल पापा मम्मी लोग बच्चों कुछ कहते नहीं, हम लोग टाइम पर स्कूल कैसे नहीं जाओगे ये बताओ, काम क्या है घर में रह करके, तो ऐसे ही होता था हम लोग का सीन। तो अब बेटा यहाँ कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा इफ, भाई देखो अकेले पढ़ाते हैं बोर हो जाते हैं तो कभी कभी बीच बीच में बोल दिया करते हैं ज्ञान की बात, एक्स कितनी जाएगी, एक्स हमको दे रखा है 3√3 प्लस का √2 अपान में कह रहा है √3 माइनस का आपका √2 आ जाएगा, ये बेटा एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और हमको वाई दे रखा है, वाई दे रखा है 3 माइनस का √2 आपका आ जाएगा, अपान में क्या आ जाएगा 3 प्लस का √2 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर ध्यान देना, अगर एक्स वाई इतना दे रखा है तो हमसे कह रहा है कि एक्स वाई दे रखा है तो एक्स वाई होगा ना जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की हमसे वैल्यू पूछा है, अब एक्स वाई दे रखा है तो ए बी कैसे आंसर निकाल पाओगे ये बताओ, कॉमन सेंस इतना आपका हो जाएगा। अब देखो क्या यहाँ क्या आ जाएगा, हमको हमसे कह रहा है कि ये अगर आपको इतना गिवन दे रखा है तो कह रहा फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है हम लोग यहाँ फाइंड करते हैं। भाई देखो सीन का क्या हो जाएगा यहाँ पर, भाई जो आपको एक्स दे रखा है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट से, तो कहानी कुछ इस प्रकार की आपकी हो जाएगी। साहब आप लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करें क्या आ जाएगा बेटा, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, √3 प्लस का √2 आ जाएगा। बेटा अगर डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, √3 प्लस का √2 आपका हो जाएगा। भाई देखो नीचे ऊपर बेटा का आपका फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, √3 प्लस √2 का पूरा पूरा ही होल स्क्वायर आ जाएगा, इतना आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। अब देखो इधर और अपान में क्या बन जाएगा, भाई देखो a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी इसका फॉर्मूला आपका यहाँ पर बन जाएगा। आपको इस टॉप इस चैप्टर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इतना रट जाएगा ना, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे अगर सारे सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे। तो यहाँ क्या बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा आपका √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर आपका आ जाएगा। अब देखो एक्स आपका ऐसा लिखा रहेगा बेटा, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर लोगे तो √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर आपका 2 आ जाएगा प्लस का 2, ए की वैल्यू √3 आ जाएगी, बी की वैल्यू आपकी यहाँ पर √2 आ जाएगी। अब बेटा यहाँ देखो ठीक है, थोड़ा हंस के पढ़ते हैं, हंस लो हाँ हाँ कर लो हाँ हाँ, क्या जाएगा बेटा √3 का स्क्वायर कितना जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर आपका 2 यहाँ पे आ जाएगा। देखो इधर ये आपका यहाँ पर 3 माइनस का 2 आ जाएगा, तो बेटा नीचे तो 1 बचेगा, ये कितना आ जाएगा, ये आपका 5 आ जाएगा, 5 प्लस का 2 ये क्या आ जाएगा, ये आपका √6 यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 प्लस का 2 √6 आपका आ जाएगा, ये क्या आ जाएगी, ये हमारी x की वैल्यू बेटा यहाँ पे आ जाएगी। सिमिलरली ऐसे ही बेटा y की वैल्यू निकालोगे, अब तुमको हम आंख बंद करके बताएं y की वैल्यू में यहाँ माइनस खाली आएगा, अगर ध्यान देना अभी मैं y की वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ ठीक, 5 माइनस का 2√6 आपकी y की वैल्यू यहाँ पे आएगी। अभी देखने को सर कैसे आ गई बेटा यहाँ, तो इसको हम यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, तो y की वैल्यू हमको दे रखी है √3 माइनस का √2 हमको दे रखा है। बेटा ये जो चैप्टर है ना सिर्फ कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग करे खाली करेगा बस, इसका मेन मुद्दा क्या होता है, हाउ टू इजी कैलकुलेशन, बस इतना सा काम खाली बस है।
इस टॉपिक में कोई भी दम नहीं है। अब क्या बड़ा हिस्सा आपका आ जाएगा, ठीक आ जाएगा रूट थ्री, रूट थ्री यहाँ पे आपका रूट थ्री रहेगा, छूट गया था रूट थ्री प्लस का रूट टू बेटा आ जाएगा, ये आपका रूट टू आ जाएगा। अब क्या करना है इसके है डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे भाई। अगर रूट थ्री प्लस का टू दे रखा है तो रूट थ्री माइनस का रूट टू से हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। अगर मल्टीप्लाई भी करना है तो डिवाइड भी यहाँ पर करना पड़ेगा आपको, ये इतना आ जाएगा बेटा। अब उधर ऊपर देखो अब क्या बन जाएगा, ऊपर आपका बन जाएगा रूट थ्री माइनस रूट टू का होल स्क्वायर आ जाएगा भाई। आप अभी मैंने बताया है कि अगर x इंटू एक्स दो बार लिखा तो इसको हम एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हैं। ये बेटा प्रॉपर्टी हम यहाँ लगा देखो रूट थ्री माइनस, ये रूट थ्री माइनस का रूट टू दो बार लिखा तो इसको क्या करेंगे दो का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा बेटा। नीचे देखो ए प्लस बी ए माइनस बी तो क्या जाएगा ए स्क्वायर मतलब रूट थ्री का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का रूट टू का यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ देखो वाई की वैल्यू कितनी है बेटा, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन कर लोगे तो रूट थ्री का स्क्वायर आपका थ्री हो जाएगा, प्लस का टू का स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर आपका टू आ जाएगा, माइनस का टू ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट थ्री आ जाएगी, बी की वैल्यू आपकी रूट टू यहाँ जाएगी, माइनस का टू ए भी आ जाएगा। यहाँ देखो बेटा रूट थ्री का स्क्वायर थ्री हो जाएगा, माइनस रूट टू का स्क्वायर टू आ जाएगा। तो नीचे तो पूरा वन आ जाएगा, ऊपर कितना जाएगा फाइव माइनस का टू रूट सिक्स, ये बेटा वाई की वैल्यू आ जाएगी। मैंने कहा था ना वाई की वैल्यू इतनी ही आएगी, आपका भाई सही बोल रहा है। अब बेटा हमको एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर मिल गई है, हमसे क्या कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू बताओ। तो भाई देखो इसके लिए हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते थे, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी भाई, देखो इधर एक्स की वैल्यू कितनी निकली है फाइव प्लस का, फाइव प्लस का टू रूट सिक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस वाई की वैल्यू कितनी निकली है फाइव माइनस का टू रूट सिक्स का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा बेटा। इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन कर लो, उसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन कर लो, तो फॉर्मूला क्या ये आपका कहा जाएगा भाई, अगर ए स्क्वायर करोगे तो 25 आपका आ जाएगा, प्लस इतना आपका आ जाएगा ना यहाँ पर। अब देखो बेटा टू रूट सिक्स का जब स्क्वायर करोगे तो टू का स्क्वायर फोर, देखो कुछ चीजें दिमाग में करना सीखो, अब मैं आपको दिमाग में कराने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो क्या आ जाएगा टू का स्क्वायर आपका फोर आ जाएगा और रूट सिक्स का स्क्वायर सिक्स रहेगा, तो सिक्स फोर जाएगा कितना आपका आ जाएगा ये 24 आपका आ जाएगा, प्लस कितना जाएगा प्लस आपका जाएगा टू ए की वैल्यू फाइव इंटू बी की वैल्यू कितना जाएगा टू रूट सिक्स आ जाएगा। तो सर आपने इसको मल्टीप्लाई कहीं नहीं किया, सबर करो सब बताएंगे अभी वेट करो बेटा। यहाँ यहाँ क्या जाएगा इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दोगे तो कितना जाएगा फाइव का स्क्वायर 25 और प्लस का टू रूट सिक्स का स्क्वायर आपका 24 आ जाएगा। सेम देखो बिल्कुल से यहाँ पे आपका आ जाएगा कि माइनस का टू ए की वैल्यू फाइव बी की वैल्यू टू रूट सिक्स आ जाएगा। बेटा मेरी निगाहों से देखो क्या ये पूरा पोर्शन इससे कट नहीं रहा है, प्लस माइनस आपस में कट जाएगा बेटा। यहाँ तो कितना जाएगा 25 कितना जाएगा ये आपका यहाँ पर 50 आ जाएगा, प्लस 24 कितना जाएगा ये आपका 48 यहाँ पे आ जाएगा, इनको ऐड कर लो कितना जाएगा 98 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, एक्स वाई की वैल्यू निकाल करके पुट करना था, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो इसमें सिंपल सा काम क्या होता है, आपको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना आपको यहाँ पर आना चाहिए भाई, यहाँ जैसे मैंने यहाँ पर कर रखा है आपको बताया भी है। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। अपने क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, 5 के बाद 6 वाले क्वेश्चन की छोटी छोटी सी बात करेंगे, आसान क्वेश्चन है आपको आ जाएगा। इसको हम लोग यहाँ से रफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भाई 4 को हम लोग यहाँ से टिक कर देते हैं, 5 सेम बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है, कह रहा है अगर एक्स बराबर आपको दे रखा है कि ये बेटा मेरे चुने क्वेश्चन है, तो एग्जाम में अगर टीचर पेपर के लेवल बढ़ाएगा तो इनसे ऊपर क्वेश्चन नहीं देगा, और बच्चे कमेंट भी करते हैं कि सर जो आपने पढ़ाया था पूरा पेपर उसी में से ही आ गया, तो जस्ट स्टिल बिलीव मी मत पढ़ने मजा आपको आएगा, जाएगा टू प्लस का रूट थ्री आपका जाएगा, मस्त पढ़ाई आपकी होने वाली है बेटा। एक्स के लिए इतनी देर रखिए, तुमसे कह रहा है कि इफ ऐसा दे रखा है देन, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, 5 यहाँ पर कर लेते हैं बेटा। देन क्या जाएगा, देन पहला हमें क्या निकालना है, x माइनस का वन अपान का x निकालना है, सेकंड हमसे कह रहा है क्या निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ये बताना है भाई। देखो अगर हमको x दे रखा है, अब बहुल पता क्या करेंगे कलाकारी, x दे रखा है ठाए ध्यान रखेंगे और ठाए ध्यान रखेंगे,
मार्क कैल्कुलेशन करते 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 आपका आंसर नहीं आएगा। क्या करना यहाँ पर है भाई, एक्स अगर आपको दे रखा है 2 + √3, इनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। एक्स आपका ऐसा लिखा रहेगा, यह आ जाएगा 2 + √3, और कॉन्जुगेट का हो जाएगा 2 - √3। बेटा अगर मल्टीप्लाई की हो तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, 2 - √3 आपका आ जाएगा। तो ऊपर देखो, अब ध्यान दो, थोड़ी सी गलती पता क्या हो गई, इसको अगर बेटा देखो सही लिखा वैसे है, कोई कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन एक चीज ध्यान दो, जैसे आपका ऐसे लिखा गया है, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं √3 + 2, वही सही था ना, वही सही था, क्योंकि इसमें माइनस में आ जाएगा। क्या आ जाएगा देखो, क्या जाएगा, कॉन्जुगेट से कर लो मल्टीप्लाई, √3 आपका आ जाएगा, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 2 - √3 आ जाएगा। अब बेटा देखो चीजें याद तो होती नहीं सामने, यहीं पर सॉल्व करते हैं तो थोड़ा हल्का फुल्का मिस्टेक हो सकता है, ज्ञानी पुरुष तो है नहीं, बस थोड़ा पढ़ाते हुए अच्छा लगता है बस। बेटा क्या जाएगा, अगर हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड करना पड़ेगा, 2 - √3 आपका आ जाएगा। अब देखो एक्स आपका ऐसे लिखा रहेगा, a + b a - b, तो फॉर्मूला बन जाएगा a² हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का b² √3 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। अपान में क्या आ जाएगा बेटा, 2 - √3, ये आपका ऐसे यहाँ पर लिखा रहने वाला है। अब बेटा ऊपर क्या बन जाएगा देखो, इधर ऊपर आपका हो जाएगा, क्या ऊपर हो जाएगा, ऊपर आपका यहाँ पर क्या सॉल्व हो जाएगा, पूरा आपका जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और √3 का स्क्वायर आपका 3 आ जाएगा, अपान में 2 - √3 आ जाएगा, 4 में से 3 जाएगा आपका 1 बचेगा, तो 1 / 2 - √3 आ जाएगा। बेटा इसको जब चेंज करोगे तो 1/x² कितनी आ जाएगी, ये आपका 2 - √3 आपका आ जाएगा, ये बेटा आपकी 1/x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अगर ये 1/x की वैल्यू है तो अब सॉल्व करना हम लोग को आसान हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, x - 1/x की हमको वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है बेटा, तो x की वैल्यू कितनी आपकी हो जाएगी, x वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 + √3 आ जाएगा, माइनस का 1/x वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 - √3 आपका आ जाएगा, ब्रैकेट लगा लेंगे। बेटा जैसे आप ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 + √3, ये आपका ऐसा लिखा रहेगा, ध्यान देना ब्रैकेट बाहर आपका माइनस लगा हुआ है, जैसे आप ब्रैकेट ओपन करोगे साइन आपका चेंज हो जाएगा, ये आपका माइनस आ जाएगा, 2 + √3 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये इसे आपका ये स्वाहा यहाँ पे हो जाएगा। आंसर कितना आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 √3, ये बेटा आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अपने हम क्वेश्चन नंबर किसी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर इसके 5th के सेकंड पार्ट की बात करते हैं। भाई देखो आपको लगता है 5 क्वेश्चन है, 5 नहीं क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन ये काफी ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, और अगर आपको ये वीडियो देखो तो आप वाकई में अच्छा कंटेंट आप पिक कर रहे हो यूट्यूब से, वरना तो फिर भी मैं चाहता ना NCERT पूरी छपा देता। NCERT कराओगे तो आपका लिमिट बिल्कुल से, आपका एरिया बिल्कुल से फिक्स हो जाएगा, लेकिन हम सारी बुक से कराते हैं ताकि क्या होता है कि आपको आप क्लास 9 बिल्कुल से टॉप क्लास की मैथ पढ़ सको। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट की बात करते हैं, तो अभी बेटा एक्स की वैल्यू कितनी हमको दे रखी थी, 2 + √3 दे रखा था, ठीक है। अब ध्यान देना 1/x की वैल्यू कितनी भी आई थी, 2 - √3 आई थी, ये तो हम बार बार नहीं निकालने वाले, तो सेकंड पार्ट कह रहा है हमको निकालना है x² + 1/x² की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो भाई देखो सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला अगर a + b² लगाते तो क्या आ जाएगा आपका, देखो a + b² फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab होता है, इतना होता है ना, ठीक है। अब बेटा यहाँ देखो सीन तुम्हारा क्या हो जाएगा, अब अगर इसको x + 1/x का फॉर्मूला बनाओगे तो क्या जाएगा, x + 1/x² का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x² + 1/x² आपका आ जाएगा, प्लस का 2 * a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1/x आ जाएगा। बेटा x आपका x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, अब देखो हमको इसकी वैल्यू चाहिए थी, इसकी वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी, तो वैल्यू क्या मिलेगी, x + 1/x² और माइनस का 2। बेटा ये प्लस का 2 आपका जब बाई हो जाएगा तो माइनस का 2 आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x² + 1/x² की वैल्यू मिल जाएगी हमको। ध्यान देना इनकी जगह पर हम इसको सॉल्व करके सॉल्व कर लेंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। इधर कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखो इधर हमको x² + 1/x² की वैल्यू हमको चाहिए, तो अब ध्यान दो इधर सीन क्या आपके क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आपकी है, x की वैल्यू एक पे जाएगी 2 + √3 आपका जाएगा, ठीक, प्लस b की वैल्यू कितनी एक पे जाएगी, 2 - √3 आपका जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर और माइनस का 2 कर दो।
तो ये से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, टू टू आपका फोर आ जाएगा, तो फोर का स्क्वायर माइनस का टू आ जाएगा, तो फोर का इसका कितना जाएगा, फोर का स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा, आ जाएगा सिक्सटीन, माइनस का टू कितना जाएगा, फोर्टीन आंसर आ जाएगा। क्या यही आंसर आ सकता है? गलत बात, ये तो सही है ही है भाई। देखो मैंने तो आपको बता दिया ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, इसको अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में तो इसको ले सकते हो। कैसे बता दूं, उसको रफ करता हूं तो बताऊंगा, इसको रफ करते तो आपको यहां पर बताएंगे कैसे आपको हो जाएगा। भाई देखो ये तो मैंने प्लस से निकाल दिया है, आपको देखो आप प्लस से निकालोगे आपका सही हो जाएगा, लेकिन क्या आपका वो माइनस वाला ऑप्शन दे रखा होता तब क्या करोगे फिर। भाई देखो जैसे अगर ए प्लस बी फॉर्म लगा देते क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का अगर होल स्क्वायर यहाँ लगाओगे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का आपका ये 2ab आ जाएगा, इतना आ जाएगा। बट अगर x में इसको पुट करोगे तो जाएगा x माइनस 1 अपॉन x का अगर होल स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 2x की वैल्यू ऐसे आ जाएगा, ये आपका ऐसे आ जाएगा, कट हो जाएगा। बेटा अब x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर। बेटा जब अब यहां देखो सब कुछ सेम था, ये प्लस था जब दूसरे का तो आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ देखो ये बेटा आपका माइनस का टू है, जब दूसरे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस का आपका टू यहाँ पे आ जाएगा। तो ये भी तो एक वैल्यू हो सकती है, इसमें भी आप वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो भाई, आप चाहे ऐसे निकालो चाहे वैसे निकालो, दोनों आपके आंसर सही माने जाएंगे। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के दोनों पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे, अपने कल की गलती सही करते हैं। कल क्वेश्चन सीन क्या हो गया था कि क्वेश्चन ज्यादा लिखने थे, पहले इंट्रोडक्शन पूरा किया चैप्टर का, फिर इसके बाद बताया कैसे क्या होता है। तो बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे ना। अब कल क्वेश्चन बात करते हैं, यहाँ पर है ये माइनस वाला, आप लोग अब जो मैंने भी यहाँ लिखा था उसमें एक्स वन अपॉन एक्स की वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर वैसे भी आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा भाई, कल क्वेश्चन सीन क्या था कि कल क्वेश्चन ऐसा लिखा था फोर इंटू अंडर रूट 28 डिवाइड, ये आपका ऐसे लिखा था क्वेश्चन, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपका यहाँ पर था, ऐसे ही ऐसे नहीं था क्वेश्चन लिखा, वैसे ही था, इतना भी खराब नहीं पढ़े थे भाई, लेकिन हाँ थोड़ा सा हमसे गलती हो गई, तो अपनी गलती हम यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं। तो क्वेश्चन लिखा था ऐसे 28 डिवाइड आपका लिखा था 3√7। तो भाई मुझे क्या लगा, मेरी पर्सनल थिंग क्या थी कि ये कुछ इस प्रकार से ऐसे लिखा गया शायद है, मैंने उसको ऐसे समझ के सॉल्व किया था, मुझे लगा रूट ऐसे इसको सॉल्व कर मैंने ऐसे किया था ना, पावर वन वन अपान का फोर यहाँ पे आ गया था, ऐसा नहीं था क्वेश्चन। जब मैंने देखा डाउट क्लियर किया तो क्वेश्चन में फोर इसके अंडर रूट के इनटू में है, अगर इनटू बेटा अगर रूट रूट अगर इनटू में है तो क्या हो जाएगा, फोर आप ऐसे ही लिखा जाएगा, रूट में तुम क्या लिख सकते हो भाई, 28 को तुम क्या लिखोगे, 7 इंटू 4 यहाँ पर लिख सकते हो, और डिवाइड में अपान हो जाएगा और 3 कितना जाएगा रूट 7, ये भी आपका इनटू में यहाँ लिखा था। बेटा जब अलग अलग करोगे तो सीन कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा, नीचे आपका ये 3√7 बचेगा, ऊपर आपका जाएगा 4 इंटू बेटा 7 √7 इंटू √4, 4 को जब अलग करोगे तो आ जाएगा 7 इंटू √4 आपका आ जाएगा। भाई आपने आईएनटी पढ़ी होगी, अगर ए बी आपका लिखा तो इसको हम ए इंटू बी रूट यहाँ पर लिख सकते हैं, सेम यहाँ पे हम लोग अलग कर लिए हैं। बेटा 7 से आपका 7 कट जाएगा, रूट 2 से क्या निकलेगा, रूट 4 से आपका क्या निकलेगा, 2 बाहर निकलेगा, तो आ जाएगा 4 इंटू आपका 2 आ जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, 4 2 जा 8 आपका जाएगा, 8 अपान का 3, ये बेटा आपका उसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ये बुक के अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन ऐसे लगाया जाएगा, तो आप लोग भी इसको सही कर लीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर इस पार्ट में यहाँ मिल गया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, तो अपने हम नेक्स्ट वीडियो में, बेटा मान लीजिए आप इसका एक वीडियो और आएगा, ये टॉपिक आपका छोटा टॉपिक था आपका फिनिश हो जाएगा, सारे क्वेश्चन इसके हो जाएंगे, अब इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक कोई भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा, दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे जो कि पढ़ने वाले फ्रेंड्स ना उनसे वीडियो शेयर करो ताकि उनको भी थोड़ा सा इससे प्रॉफिट मिल सके और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके, लोग देखते हैं कमेंट करते तो अच्छा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये टेक है दोस्तों, जय हिंद।